वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा और आपसे हर क्यूज में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे FB पेज डेली GK एंड करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहले गैर ब्रिटिश मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष बने हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, कुमार संगकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एयरोस्पेस कंपनी ने लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराकर पृथ्वी पर लाने वाला नया स्पेसक्राफ्ट बनाया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, स्पेस एक्स। ये अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, केरल राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस IIT संस्थान के 56वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, IIIT मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के SSC/ST अधिनियम में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय महिला भाला फेंक एथलीट अनुरानी फाइनल में पहुंचने वाली देश भारतीय बन गई है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, ये पहली भारतीय महिला है जो फाइनल में पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व खिलाड़ी ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में T20 बिग बैश लीग में हिस्सा लेने के लिए ब्रिस्बेन हीट के साथ करार किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, AB डिविलियर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली को पीछे छोड़कर पाकिस्तान के बाबर आजम वनडे में सबसे तेज कितने शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 11 शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस युवा सेटलर ने बैडमिंटन में मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, कौशल धर्मामेर ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विल्सन सिंह और सतीश प्रजापति ने एशियन तेज ग्रुप तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत पेय के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटियों में निम्न में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप। इसका आंसर है सी, फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों में ये अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, 61वां संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, नीलगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई का पूरा नाम है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस केस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये थी आज की क्विज। आपके इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। गुड बाय।